हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं एस्पैरेगस पुलाव। ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये एस्पैरेगस होता क्या है। तो एस्पैरेगस ये ऐसे स्टिक्स आते हैं और जो न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड होता है and it's also packed with vitamin minerals and antioxidants। ये usually एक long bunch में मिलता है, पर इसे साफ करने के लिए हम इसे धो के बीच में से स्नैप करते हैं, और जहां से हम इसे तोड़ेंगे, जब आप उसे मोड़ेंगे और जहां से ये टूटेगा, तो जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ये है, वो हम रख लेंगे और नीचे की डंडियां हम फेंक देंगे। तो जब आप उसे तोड़ेंगे ये ऐसे दिखेंगे, और वो जहां से एकदम टेंडर होगा वहां से टूटेगा, तो आप देख सकते हो। और जहां से थोड़ा हार्ड होगा वो हम तोड़ के फेंक देते हैं। तो ये है एस्पैरेगस। चलिए बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो एस्पैरेगस पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए आधा मीडियम प्याज, जो मैंने बारीक चॉप किया है। हमें चाहिए टमाटर, मैंने ये छोटे चेरी टमाटर यूज़ किए हैं, पर आप टमाटर काट के भी यूज़ कर सकते हैं। ये है एस्पैरेगस, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये है ग्रीन बेल पेपर। यूजुअली मैं इसके अंदर येलो और रेड बेल पेपर डालती हूँ, पर आज आई डोंट हैव इट। पर आप ग्रीन बेल पेपर, येलो, रेड, आप जो कलर चाहे वो कलर डाल सकते हैं। ऑफकोर्स आप अगर कलर्ड बेल पेपर डालोगे तो बड़ा खूबसूरत दिखेगा आपका पुलाव। फिर ये है जुकनी, जिसे मैंने डाइस कर लिया है, और ये कैरेट्स, जो मैंने राउंड कट कर लिए हैं। ये बेबी कैरेट्स है। इसके बाजू में है ग्रीन चिली, जो मैंने रफली चॉप की है, और वही हम डालेंगे तीखेपन के लिए। ये है कोरिएंडर, कोथमीर, जो फ्रोजन वाली यूज कर रही हूँ, पर आप फ्रेश यूज कर सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा फ्रेश से। आधा आधा लेमन। ये है हाफ कप ग्रीन पीस और करी लीव्स, मिंस गार्लिक, पुलाव मसाला। ये है 4 कप बॉईल किए हुए राइस, और ऑयल, घी, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये है जीरा, एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। आप कोई भी पाव भाजी मसाला यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। चलो बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस ऑन कर लेंगे। डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल। मैं यहाँ पे पीनट ऑयल यूज कर रही हूँ, पर आप कोई भी अपने प्रेफरेंस का ऑयल यूज कर सकते हैं। सो 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी, 3 बार डाला, पर आप 2 टेबलस्पून घी डालना। सो फ्रेंड्स, अब हमारा तेल गरम हो चुका है, तो हम पहले डाल देंगे बे लीव्स। जीरा 1/2 टीस्पून जीरा है, 2 बड़े वेल्यूज है, और फिर डालेंगे हम करी पत्ता। और हम डालेंगे हींग। एज यूजुअल मैं आपको हींग बताना भूल गई, तो डालेंगे चुटकी भर हींग। और हम डाल देंगे गार्लिक 1 टेबलस्पून। गार्लिक डालते ही हम डाल देंगे हमारे ऑनियन, ताकि गार्लिक जले नहीं।
ऑनियन को हम एकदम ब्राउन करेंगे, नाइस गोल्डन ब्राउन कलर होने देंगे ऑनियन का। तो फ्रेंड्स अब हमारा प्याज हल्का गोल्डन हो चुका है, अब हम डालेंगे चेरी टमाटोज, हमारा ग्रीन पीस, जुकिनी, ग्रीन चिली, कैरेट, कैप्सिकम और एस्पैरगस, अब हमने हमारे सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल दिए हैं, अब हम इसे अच्छे से कुक होने देंगे, पर कुक होने से पहले हम इसमें डालेंगे नमक, तो मैं डाल रही हूँ 1.5 teaspoon ऑफ नमक, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हमारे वेजेस अच्छे से कुक हो रहे हैं। अब हम इसे कवर कर लेंगे लीड के साथ, इसे कवर कर लिया है और हम इसे 3 से 4 मिनट के बाद चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स पुलाव की सब्जियां कुक हो रही है, तब तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने MDH का पुलाव मसाला यूज़ किया है, तो आप चाहो तो टोटली उसे स्किप कर सकते हो और अपने घर के खड़े मसाले भी डाल सकते हो, पर मैं डाल रही हूँ MDH का पुलाव मसाला। सो जस्ट सो आपको पता चले इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट खड़े मसाले हैं, सो पुलाव मसाला इज बेसिकली खड़ा मसाला। सो फ्रेंड्स अब हमारी सब्जी तकरीबन कुक हो चुकी है, वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारा खड़ा मसाला था, जो पुलाव, ग्रीन इलायची, सिनेमन स्टिक, लौंग, ब्लैक पेपर्स वगैरह, वो हम डाल देंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ कि एरोमा कितनी अच्छी आ रही है, अब हम मसाले को सब्जी में थोड़ा इन्फ्यूज़ होने देंगे। खड़े मसालों की बात ही कुछ और है, इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दोनों मसाले। वैसे तो अगर आप चाहो तो कम्प्लीटली पुलाव मसाला डाल सकते हैं, पर मेरी फैमिली में सबको खड़े मसाले ज़्यादा खाने में आए वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं हाफ एंड हाफ डालती हूँ। तो पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आई विश कि मैं आप लोगों को स्मेल करवा सकती। सो ये पॉइंट पे फ्रेंड्स हम डाल देंगे हमारा धनिया। मैं ऑलवेज जब भी खाना बनाती हूँ मैं प्रिफर करती हूँ कि थोड़ा सा धनिया, जब भी मैं उसको टेम्पर कर रही हूँ वेजीज या कुछ भी सॉटे कर रही हूँ तभी मैं थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल लूँ, और फिर ऊपर से मैं थोड़ा बाद में डालती हूँ। तो ये थोड़ा सा धनिया मैंने अभी अंदर डाल दिया है। अब हम हमारा हाफ नींबू लेंगे और उसे अच्छे से स्क्वीज कर देंगे।
हम डालेंगे हाफ अ टीस्पून ऑफ पाव भाजी मसाला, हम आंच थोड़ा तेज कर लेंगे अब। और फ्रेंड्स, जब मैंने राइस कुक किया था तब मैंने इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट डाल दिया था। आप देख सकते हैं कैसे खुले हुए राइस बनाया है मैंने। तो राइस हम जब 80% कुक हो जाएंगे तभी उसे निकाल लेंगे। आप 70% पे भी निकाल सकते हो, क्योंकि जब भी हम पुलाव बनाएंगे ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो पुलाव राइस हम 70-80% ही कुक करेंगे जब बॉईल करेंगे तब। अब डालते हैं हमारा राइस इसके अंदर। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना, ऐसा वुडन स्पून लेना जिससे अपना राइस टूटे नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हमने हमारा एस्पैरगस पुलाव मिक्स कर दिया है। अब हम आंच को धीमा कर देंगे और एक मिनट तक ढक्कन लगा लेंगे ताकि पूरा राइस और वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स होके पक जाए और पुलाव को बहुत अच्छा सा एरोमेटिक फ्लेवर मिले। तो अब हम इसे लगाते हैं लेड। एक मिनट के बाद चेक करेंगे। और आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे और सर्व करेंगे चिल्ड दही रायता के साथ। और आप देख सकते हैं हमारा यम्मी एस्पैरगस पुलाव और रायता तैयार हो चुका है। ऐसे ही हेल्दी और यम्मी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करो। और अगर आप ये बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।